इवनिंग बच्चा पार्टी। तो आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। और हमने थोड़ा सा ज्यादा ही ब्रेक ले लिया है ना, बट कोई बात नहीं। अभी हम लोग रिवाइक्यूज कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी से जरा सबके साथ शेयर करके हो अल्ला मचा दो, है ना। सबको बता दो कि लेक्चर स्टार्ट हो गया है एंड हम लोग रिवाइक्यूज कर लेते हैं। ऑल राइट, हेलो निशा, सिमरन, कौन कौन है यहाँ? बहुत सारे लोग हैं भाई। बच्चा पार्टी जल्दी जल्दी से सभी के साथ शेयर कर लीजिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, एंड लेट्स क्विकली गो अहेड। ठीक है, चलिए लेट्स गो अहेड नाउ। तो हमको क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व दी व्हाट प्रीवियस योर क्वेश्चंस ऑन ऑर्गन पाइप। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड एंड जस्ट एक सेकेंड रुक जाइए। आपके जो क्वेश्चंस मैंने निकाले थे, क्वेश्चंस मैं देख लूँ, ठीक है, अदरवाइज सारे गुम जाएंगे। अगर वही क्वेश्चन, हाँ ठीक है, यहाँ से मिल जाएंगे। ये रहे क्वेश्चंस। सो हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है, करेक्ट? कर गया भाई, ये स्ट्रिंग है एंड जस्ट अ सेकेंड बच्चा पार्टी। हाँ ये रहे क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए, हाय बच्चा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्वेश्चंस ढूंढने पड़ते हैं ना, क्योंकि आज हमको सिर्फ स्पेसिफिकली ऑर्गन पाइप पे करना है क्वेश्चंस, या फिर हम इन जनरल सब कर लें। क्योंकि मैं स्ट्रिंग आप लोगों को करवाने वाली है, एंड जब स्ट्रिंग करेंगे तो स्ट्रिंग के क्वेश्चंस सब भी हम करेंगे। तो स्पेसिफिकली मैं सोच रही हूँ पहले हम लोग ऑर्गन पाइप वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन स्ट्रिंग का है, या इन जनरल बाकी के जो वेव्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, डॉपलर इफेक्ट एंड ऑल, तो वो सब हम कर लेंगे। ठीक है, तो जरा सबके साथ शेयर कर लीजिए। एंड वन मोर थिंग गाइस, कि मेरी बैच जो है वो 2nd of मार्च से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो यू पीपल कैन ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। ठीक है, और आराम से अपना पूरा का पूरा फिजिक्स बहुत अच्छे से एकदम से क्रैश कोर्स चालू हो रहा है, आप कवर कर सकते हैं। हाय सर्वेश, बड़े दिनों बाद भाई, कहाँ थे आप लोग? और बाकी आई थिंक आप सभी लोग का मस्त एकदम अच्छे से चल रहा है। तनाया मैम, क्विज मिला ही नहीं मुझे, एंड वो लिंक तो ज्वाइन हुआ तो अरे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं थे भाई, मैं तो क्वेश्चंस एकदम प्रॉपर क्वेश्चन सिलेक्ट करके दिए थे। देखना पड़ेगा फिर, आई नीड टू चेक। ठीक है, मैं काम करती हूँ, चेक करके मैं वापस से क्विज डाल दूंगी, टेंशन ना लो। ठीक है, मैंने एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस चुन चुन के दिए हुए थे, और एक दो क्वेश्चंस मैंने आज वाले जो हमने किया हुआ था लेक्चर में, वो उस पे भी थे। कोई इशू नहीं है, मैं वापस से क्विज, ठीक है, आप लोगों को दे दूंगी लिंक, एंड आप लोग ज्वाइन कर देना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए हमको क्या करना है। चलो ये रहा क्वेश्चन, द लेंथ, ये तो स्ट्रिंग वाले हैं, नहीं ये करते हैं, क्या दिया हुआ है, अ ट्यूनिंग फोक विथ फ्रीक्वेंसी, अ ट्यूनिंग फोक। ठीक है, ये कभी का क्वेश्चन है, दिस इज नीट 2019 का क्वेश्चन है। विथ फ्रीक्वेंसी, विथ कितना, 800 हर्ट्ज है, ठीक है, दैट प्रोड्यूसेस रेजोनेंस। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस रेजोनेंस इन अ रेजोनेंस कॉलम। ठीक है, मतलब ये आपका जो एग्जाम्पल है, रेजोनेंस पाइप जो होता है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ वॉट, पाइप क्लोज एट वन एंड, जो कि हम लोग ने आज ही किया हुआ है। ठीक है, रेजोनेंस कॉलम। एंड जरा बच्चा सभी के साथ शेयर कर लीजिए। मैम जो प्रतिभा बैच है वो नीट 2022 के लिए है, उसमें पूरा सिलेबस कवर होगा। हाँ बिल्कुल कवर होगा। ठीक है, अनंदिता,
एब्सोल्युटली कवर होगा बच्चा। और आप लोग में से जो भी स्टूडेंट अगर मुझे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मतलब या वो बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप ये मेरा कोड यूज कर लीजिए, अर्चना 10, ठीक है। एंड इस पे आपको फिलहाल 3 मंथ पे आपको 33% ऑफ मिल रहा है, 6 मंथ पे आपको 28% ऑफ मिल रहा है, तो काफी ज्यादा फायदे में, और कल तक ही ऑफर वैलिड है, ठीक है। सयांतन, मैंने लिंक शेयर किया हुआ था आप लोगों को क्विज का, एंड जस्ट नाउ आई केम टू नो, ठीक है, फ्रॉम तनाया कि आप लोगों का शायद से वो लिंक वर्क नहीं किया, तो डोंट वरी अबाउट इट, मैं वापस से क्विज का आपको लिंक शेयर कर दूंगी, एंड आप लोग क्वेश्चंस अटेंड कर लेना, ठीक है। तो आप उसको अटेंड कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओपन पाइप का फॉर्मूला ही है, ही नहीं पता, अरे ऐसे कैसे नहीं पता भाई। चलिए क्या दिया है, क्वेश्चन कहाँ था यार, हम लोग तो भूल ही गए। आज यूनिट ट्यूनिंग फोक को जिसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया, 800 हर्ट्स, विच प्रोड्यूसेस व्हाट रेजोनेंस इन अ रेजोनेंस कॉलम, इन अ रेजोनेंस कॉलम ट्यूब विथ अपर एंड ओपन एंड लोअर एंड क्लोज, विथ अपर एंड ओपन एंड ओपन एंड लोअर एंड क्लोज। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट वही है, क्लोज्ड एट वन एंड, लोअर एंड क्लोज्ड। तो देन उसके बाद में अब क्या पूछा हुआ है तुमको, बाय वाटर सरफेस, ठीक है, मतलब वही पानी भरा हुआ है, ठीक है, पाइप है, पाइप में पानी भरा है, एंड देन उसके बाद में अब आपको क्या करना है, सक्सेसिव रेजोनेंस, अब बोला है कि सक्सेसिव रेजोनेंस दे आर ऑब्जर्व्ड, रेजोनेंस, रेजोनेंस कब फॉर्म होता है कि जब जो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी है अगर वो मैच हो जाती है किससे, जो एयर की फ्रीक्वेंसी, एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, तो वो टाइम पे आप कह सकते हैं कि रेजोनेंस प्रोड्यूस होता है, वो टाइम फ्रीक्वेंसी जो होती है मैक्सिमम होती है, मतलब जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी उसको हम कहते हैं कि रेजोनेंस, ठीक है। तो दे आर ऑब्जर्व्ड एट लेंथ, हाउ मच, सो इट इज गिवन एज 9.75। अरे यार पॉइंट में क्यों दिया है, लगता है कुछ कैंसिलेशन होगा। 9.75 सेंटीमीटर, 31.25 सेंटीमीटर एंड 52.75 सेंटीमीटर, ठीक है। तुमको निकालना है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। वैसे तो आप लोग इसका आंसर, स्टैंडर्ड आंसर ऐसे ही दे सकते हैं, बट फिर भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। दिस इज नीट 2019 का क्वेश्चन है, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, एंड हियर आर दी ऑप्शंस। ओपन पाइप का फॉर्मूला ही नहीं पता, अरे अच्छा, सर्वे वही मैं कह रही हूँ कि रिस्क नहीं लेना है, बट एनीवेज इसके आंसर्स तो सभी को पता ही है, इसको बिना सॉल्व किए भी आप लोग मार्क कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यूज तो हम सबको जनरली याद रहते हैं, ठीक है। सो 344 मीटर पर सेकेंड एंड डी जो हो जाएगा आपका 172 मीटर पर सेकेंड है। ये कौन है भाई, अपने यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ना पूरे सब जगह के स्टूडेंट्स आ गए, मार्श, जुपिटर, जब भी जुपिटर से कोई नहीं आया, कोई मून से भी आ जाओ, है ना, और सबसे ज्यादा हल्का तो जो सन से आएगा वो मचाएगा, है ना, तो कहीं वो भी आ जाओ, चलो बहुत अच्छी बात है। 344, 344 आ गया, हाँ ये तो स्टैंडर्ड आंसर है, मतलब इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है, अदरवाइज भी आप देख सकते हैं कि क्या दिया। अगर सपोज ये इसको अपने को सॉल्व करना होता, ठीक है, अगर सपोज कि हमको इसको क्या करना होता, सॉल्व करना होता, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, एवरीवन क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। ये क्वेश्चन देना है, और क्या देना है मुझे, एक ये वाला भी दे दूं, चलिए। तो सीधी सी बात है ना, दिख रहा है तुमको कितना दिया है, 75 सॉरी 9 दिया है, फिर उसके बाद में कितना है, 31.25 दिया है और 52.75 दिया है, ठीक है। सी सी सी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, आप लोगों के आंसर्स एकदम से करेक्ट हैं, क्योंकि 344 तो जो है स्टैंडर्ड वैल्यूज है, बट अगर आप L1 L2 L3 करेंगे, तो
वहां से भी जो हम लोग ने देखो, हमको तो नीट के एग्जाम में बहुत फास्ट एकदम से जाना है, तो ये तो एकदम स्टैंडर्ड वैल्यू एनीवेज है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। गुड इवनिंग बच्चा। तो आप लोगों के कमेंट्स थोड़ा यहाँ रखती हूँ ताकि मुझे दिखे अच्छे से। एंड और भी क्वेश्चंस मैं ले लूँ जरा, मैंने दो तीन जगह से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रखे थे, सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है। तो चलिए जस्ट अ सेकेंड बच्चा पार्टी। ऑलराइट, तो हेलो हाय बच्चा, तो ये तुम्हारी चीजें यहाँ से हो गई। अब इसको सॉल्व क्या करना है, इसको जस्ट सिंपल सी चीज है, आपको वेलोसिटी दे दिया, आपको डिफरेंस निकालो, डेल्टा एल निकाल लो, और क्या करोगे। तो L2 और L1 की अगर आप बात करेंगे, तो L2 तुम्हारा जैसे L1 हो गया लैम्डा बाई फोर, L2 लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा आप कह सकते हैं, ठीक है। सो 3 लैम्डा बाई फोर आ जाएगा। इस तरह से आप डिफरेंस निकाल लो डेल्टा एल का, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। देखो इसको मैं सॉल्व करने का भी एक ट्रिक बता देती हूँ, मतलब जिस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं, तो बेसिकली अपने को डेल्टा एल चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो डिफरेंस है कहाँ कहाँ वाइब्रेट हो रहा है। सो इट विल बी गिवन एज व्हाट, L2 माइनस L1। तो L2 जो है वो अपने को कितना मिल जाता है, इट इज 3 लैम्डा बाई 4 हो जाएगा, माइनस λ/4। तो सिंपली 3 लैम्डा माइनस लैम्डा कितना हो जाता है, 2 λ/4। 2 λ/4 मतलब क्या हो गया, λ/2 आ गया, λ/2 आ गया, बस खत्म। तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू, आप कह सकते हैं, ट्वाइस ऑफ डेल्टा एल। डेल्टा एल इज व्हाट, L2 माइनस L1 है, ठीक है। और आपको पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो देयरफॉर वेलोसिटी विल बी व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ, क्या बोल सकते हैं, n λ होता है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ एन बोल दो, एफ बोल दो, आपकी मर्जी, एफ लिखना एफ लिख लो, विच इज डेल्टा लैम्डा, दैट मीन्स L2 माइनस L1। अब आपको सारी चीजें दी हुई हैं, आप सब्सटीट्यूट कीजिए और आपको इसका आंसर जो है 344 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। दिस इज व्हाट दी फॉर्मूला, समझ में आया। तो यहाँ कुछ मतलब इन इवन एनी वेज अगर कोई सॉल्व भी करना चाह रहा है तो बिल्कुल भी टफ नहीं है। अब हम लोग चलो एक ना स्ट्रिंग वाले भी क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, नहीं पहले तो ऑर्गन पाइप वाले करते हैं। एंड आई थिंक मानी, इफ मानी इज देयर, वो मुझे शायद से यही पूछ रही थी, ये ऐसा वाला क्वेश्चन ही, जो कि एम्स 2019 का क्वेश्चन है। आई कैन सी योर कमेंट गाइस, एक सेकेंड रुको जरा मैं रिफ्रेश कर लूँ। और बच्चा जरा सबके साथ में आप लोग शेयर कर लीजिए, अभी भी आपकी पब्लिक बहुत कम है, ठीक है। So now the next question says that the speed of sound in air is कितना दिया हुआ है, is 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो जरा यहाँ लिखते हैं पास में, is 330 मीटर पर सेकेंड, then find the number of stones प्रेजेंट इन एन ओपन पाइप। आई थिंक शी वॉज आस्किंग मी दिस ओनली कि नंबर ऑफ टोन्स, एंड उसने शायद से मे बी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ होगा, टाइपिंग एरर, नंबर ऑफ टर्न्स था, ठीक है। सो नंबर ऑफ टोन्स इन ओपन ऑर्गेन पाइप, ओपन ऑर्गेन पाइप, ठीक है। ऑफ लेंथ, उसका लेंथ कितना दिया हुआ है, इट इज गिवेन एज 1 मीटर, हुज फ्रीक्वेंसी कितना है, इज लेस देन और इक्वल टू 1000 हर्ट्ज है, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि जो फ्रीक्वेंसी है लेस देन और इक्वल टू कितना है, 1000 हर्ट्ज। एंड ये कब का क्वेश्चन है बच्चा, दिस इज एम्स 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। एंड इसके ऑप्शन जो है, आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2, ऑप्शन नंबर बी इज 4, ऑप्शन नंबर सी इज 8, ठीक है। हम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन कॉपी करते हैं ना, एंड डी जो है वो 6 है, ये आपका ऑप्शंस हैं। एक सेकेंड रुको, तुम्हारे कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, अगर आप लोग आंसर भी करेंगे तो शायद से मुझे पता नहीं चलेगा। अब तो यूट्यूब का भी प्रॉब्लम आने लग रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ अब ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ आप लोग सच में ही नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा कि
चैप्टर कौन सा है, एंड सेकेंड चीज की अगर आप सपोज की 24 या 23 से इनकेस नहीं पता है तो वेव्स का ये टॉपिक है, हम जब ऑर्गन पाइप पढ़ते हैं। ओके, तनाय सिंह की ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, इज इट एवरीवन? मुझे सभी बता देंगे क्या ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, सब लोग बताएंगे राइट? बहुत बढ़िया, नॉट बैड, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, सभी के ऑप्शन डी आ रहे हैं। बाकी इसका जो क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन मुझे ऐसा वाला करना था, वो क्या कर सकते हैं हम सॉरी। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, जो जो न्यू स्टूडेंट है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ। क्या बोला मैंने, इफ द स्पीड इन एयर इज व्हाट, 330 मीटर पर सेकेंड, आपको ये स्पीड ऑफ साउंड दे दिया है। देन उसके बाद में आपको बोला है कि हमको नंबर ऑफ टोन्स निकालना है। टोन्स मतलब क्या होता है कि कितना नंबर ऑफ जो हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं ना, फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक्स नहीं बोलना है, आई कैन से कि फ्रीक्वेंसी जो प्रेजेंट है वो इन एन ओपन ऑर्गन पाइप जिसका लेंथ आपको 1 मीटर दिया है और बोला है कि द फ्रीक्वेंसी कितना है, तो इट इज 1000 हर्ट्ज दिया है। ठीक है, हाँ भाई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, टेंशन ना लो। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको एल जो दे दिया है, 1 मीटर दे दिया है, फ्रीक्वेंसी आपको हम उसको इक्वल टू करके ही कर लेते हैं, 1000 हर्ट्ज दिया हुआ है राइट, फ्रीक्वेंसी आपको 1000 हर्ट्ज दिया है। अब आपको जब फ्रीक्वेंसी किसकी बात करते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ ओपन पाइप, हमने इसका थियोरी आज नहीं किया, उसको हम कल करेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, फॉर्मूला फॉर व्हाट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, तो मैं यहाँ सिर्फ ओपन पाइप लिख रही हूँ। तो नाउ क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर 4L होता है, वहां पर 2L होता है, सो फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज एफ इज इक्वल्स टू वी अपॉन 2L। ठीक है, वी अपॉन 2L, बताती हूँ बच्चा, टाइमिंग बताती हूँ, टेंशन ना ले। क्या नाम है आपका, तबस्सुम, ठीक है। तो अब यहाँ से चीजें सब्सटीट्यूट कर दो, ये आपको कितना दिया है, 330 बोला है ना, और एल कितना दिया है, 1 मीटर है, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 से हम कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 1 जा, फिर उसके बाद में 2 6 जा 165 हो जाएगा ना, है कि नहीं? अब ध्यान से सुनिए, यहाँ 165 हर्ट्ज आ गया, ये क्या मिल गया तुमको, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल गया। आप इसको चाहें तो ऐसा ओ करके भी लिख सकते हैं, तुम्हारी मर्जी। जैसे ही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिला तो इन जनरल जो आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ टोन्स अब तुमको निकालना है। ठीक है, सो कितना नंबर ऑफ टोन्स, मतलब कितना फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होगा, आइडियली टोन्स का मतलब फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टोन्स प्रेजेंट, टोन्स प्रेजेंट कैसे लिख सकते हैं बच्चा इसको, तो सिंपल सी चीज है ना, आप क्या करेंगे, दैट कैन बी रिटर्न एज रेशियो ले लो, किसका रेशियो ले लेंगे आप, सो यू कैन टेक द रेशियो ऑफ, सेकेंड 1 मिनट बच्चा, एम सॉरी। सो यहां जब आप रेशियो ले लेंगे विच इज एफ कैन बी रिटर्न एज, ठीक है, एफ अपॉन एफ नॉट ले लीजिए, तो आपको कितना दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 1000 बोला है ना, 1000 हर्ट्ज, और जो हमको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना मिला, 165 हर्ट्ज, उसको हम 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 3 जा 15, और यहाँ पर आपके पास में एक बचेगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और फिर यहाँ पर 0 0, अब हम 11 से कैंसिल आउट कर ले रहे हैं, तो 11 से कैंसिल आउट कर लेंगे तो 11 3 जा हो जाएगा, और यहाँ जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 11 1 जा 11, बचेगा कितना, 9 90, 11 8 जा हो जाएगा, है ना, फिर उसके बाद में पॉइंट आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 बचेगा, फिर 11 8 जा, मतलब आप 18.8/3 को क्या कर लेंगे, आप डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये 6 पॉइंट कितना हो जाएगा, इधर चला गया, 0 6 होगा बराबर। बट हम लोग जो टोन्स फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इट शुड बी व्हाट, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, सो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ टोन्स जितना प्रेजेंट है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6, आप होल नंबर को ले लीजिए,
जो पॉइंट के बाद वाला होगा उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। गॉट इट? सभी को समझ में आया कि नहीं? एक बार मुझे सभी लोग बता देंगे, ठीक है? नॉट बैड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐसा वाला, और एक क्वेश्चन है अपने पास में, नीट 2018 का क्वेश्चन है। क्या दिया है? द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन पाइप, ओपन ऑर्गेन पाइप, ऑर्गेन पाइप इज दैट इज इक्वल टू द थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, किसके इक्वल है? थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ऑर्गेन पाइप। कम ऑन बच्चा पार्टी, यू कैन डू इट। ठीक है, थर्ड हार्मोनिक ऑफ अ क्लोज्ड पाइप, ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गेन पाइप, मतलब वन एंड क्लोज आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। सो देन इफ द लेंथ ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गेन पाइप इज गिवेन, इफ द लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गेन पाइप, लेंथ ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गेन पाइप, ठीक है, ऑर्गेन पाइप। अच्छा शिवम, आपको नहीं पढ़ना है तो यू कैन गो, अननेसेसरी क्यों लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो? आप पढ़ रहे हैं अच्छे बच्चों की तरह, तो जल्दी से अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, है ना? आप फिलहाल अपना ध्यान रखिए, बाकी चीजों पे ध्यान मत दीजिए। इज इट 20 सेंटीमीटर? तो मेरा बर्थडे नहीं है भाई, चलिए जब बर्थडे होगा तो मैं बता दूंगी, तो आप लोग जोर से एकदम ना ऐसे हैप्पी बर्थडे विश कर देना, तो मुझे भी ऐसे बहुत सारी खुशी मिलेगी। ठीक है, सो नाउ द लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप, द लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है, ओपन ऑर्गन पाइप इज, तो ये तुमको निकालना है। ये रहा क्वेश्चन, है कभी तो आने वाला है, जिस दिन रहेगा उस दिन ही डिक्लेयर करूंगी मैं। ठीक है, ऐसा पहले से थोड़ी बताना रहता है कि आज मेरा बर्थडे है या आज मेरा बर्थडे आने वाला है। ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज व्हाट, विच इज 8 सेंटीमीटर। एग्जाम कब होगा? हाँ, इसने एकदम से मुद्दे की बात बोली ना बच्चा, देख डेट तो नहीं पता, बट जहां तक उड़ते उड़ते खबर आ रही है और अपना कैलकुलेशन ऐसा कह रहा है कि तुम्हारा एग्जाम जो है जून एंड से लेकर के जुलाई तक हो सकता है, जिस हिसाब से जेई एडवांस का डेट आया है, अगर हम कैलकुलेट करें तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो जून में लास्ट संडे आ रहा है, जो कि आई थिंक 26 को है, तो समवेयर उस वहां पर हो सकता है एग्जाम, बट हम पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। देख बच्चा, मेरे क्लासेस का टाइमिंग अब ध्यान से सुन लो, आज ही तो अपना क्लास हो गया, कल जो है क्लास अपना 10:30 PM है। ठीक है, उसके बाद में मार्च से मैं आप लोगों का क्लास का टाइमिंग एकदम से स्ट्रीमलाइन कर दे रही हूँ, दो दो लेक्चर का टेंशन ही नहीं है कि आप लोगों को दोनों लेक्चर का क्लास का टाइमिंग देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। मार्च से हम लोग अपना क्लास जो है वो 10 PM, ठीक है, 90 मिनट्स का सेशन रखेंगे 10 to 11:30 PM। तो इससे क्या हो जाएगा कि अपना जो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों एक ही लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो हमारा जो तकलीफ है ना दो लेक्चर ज्वाइन करने का, थक जाते हैं आप लोग भी, टाइम स्लॉट अलग अलग निकालना पड़ता है जिनको सीरियसली पढ़ना है। उम्मीद है यहाँ जितने भी अपने स्टूडेंट्स आते हैं सब सीरियसली पढ़ते हैं। तो नाउ फ्रॉम मार्च 1 ऑनवर्ड्स, 1 मार्च को आपका क्लास नहीं है बट 2 ऑनवर्ड्स स्टार्ट होगा, तो आपका जो क्लास का टाइमिंग होगा इसके बाद हम इसको फॉलो करेंगे 10 to 11:30 PM। सो इसमें हम लोग न्यूमेरिकल प्लस थियोरी, तो जो जो एक एक टॉपिक करें उसके न्यूमेरिकल्स भी करते जाएंगे, थ्योरी भी करते जाएंगे, तो सब चीजें एकदम से अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है, फिजिक्स में फुल मार्क्स कैसे लाते? देख ऐसा कोई न्यूटन का रूल तो नहीं है, बट हाँ ये है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स, आपका कॉन्फिडेंस जितना बढ़ेगा, आपका कैलकुलेशन स्किल्स, सब चीजें अगर आपने डेवलप कर ली तो फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन क्या है, क्या बोला है तुमको? ओके, आंसर्स मिल रहे हैं मुझे, सी ऑप्शन आ रहा है, दैट्स ग्रेट। चलो
आप देखो शिवम, शिवम तुम अच्छा काम कर रहे हो ना। अब ऐसे ही जब पढ़ाई लिखाई करता है इंसान बेवजह की चीजों में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। आई मीन तुम लोग ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स फालतू की चीजें करोगे तो बताओ फिर बाकियों से क्या ही एक्सपेक्ट किया जाएगा। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन ऑर्गन पाइप कितना बोला है, इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक। ओपन ऑर्गन पाइप का, ठीक है, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो थर्ड हार्मोनिक है किसका, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का। बहुत जबरदस्त। अब लेंथ दे दिया है तुमको, किसका लेंथ दिया है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का, वो कि 20 सेंटीमीटर है, और अपने को बोला है कि ओपन का लेंथ निकालो। बहुत जबरदस्त। हम क्या करेंगे, सीधा सा हम रेशियो ले लेंगे और अपना काम हो जाएगा, है ना। तो लेट्स गो अहेड। एंड काफी सारे लोगों ने मुझे बोला है कि मैम आंसर सी आएगा, तो मुझे आप लोगों पे वैसे ट्रस्ट तो है, ठीक है। तो इसी बात पे फिर भी हम सॉल्व तो करेंगे ना, सॉल्व करना तो बनता है। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इन जनरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। तो जब आप किसकी बात करेंगे, ओपन पाइप में अगर बात करते हैं तो ओपन पाइप में फ्रीक्वेंसी क्या होता है, विच इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज व्हाट, वी अपॉन 12 होता है, ठीक है। एंड यही अगर हम क्लोज्ड पाइप की बात करते हैं, क्लोज्ड पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज वी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एल होता है। याद होगा आप लोगों को, ऐसा उम्मीद है मुझे। और हम लोग क्या करते हैं बच्चा, ये जो ऐसा ना ओपन और क्लोज को इस तरह से हम सी और ओ सफिक्स ले लेते हैं। ओपन के लिए हम लोग यहाँ सफिक्स ओ ले लेते हैं और क्लोज के लिए सी लिख देते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता रहेगा। एंड एज पर दी गिवन डेटा, तुमको क्या बोल दिया है कि आप देख सकते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप का मतलब ये है, इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक्स ऑफ क्लोज्ड पाइप। मतलब सीधी सी बात है, हम कह सकते हैं कि एफ नॉट अपॉन एफ सी इज इक्वल टू 1/3। अब यहां से हम क्या कर लेंगे, चुपचाप से रेशियो ले लेते हैं। सो देयरफॉर एफ नॉट अपॉन एफ सी का रेशियो ले लेंगे तो ये अपने को क्या मिलेगा, इट विल बी वी अपॉन ट्वाइस ऑफ एल नॉट। यहाँ क्या हो जाएगा, वी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एल सी हो जाएगा, राइट। एंड ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 1/3, है ना। हम क्या करेंगे, क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपका ये वी और वी कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2 2 जा। तो अब हम लोग जब चीजें लिखेंगे यहाँ से, तो हम कह सकते हैं कि 1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एल सी अपॉन क्या हो जाएगा, एल नॉट। और सिंस अपने को एल नॉट और एल सी का आई मीन अपने को क्या दिया हुआ है, दे हैव गिवन अस लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप 20 सेंटीमीटर बोला है। मतलब ये आपको क्लोज ऑर्गन पाइप कितना दिया, 20, तो 2 × 20 कर लीजिए अपॉन एल नॉट। अब देयरफॉर एल नॉट विल बी इज इक्वल टू ये तुम्हारा 20 × 40/3, 40/3 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, उसके बाद में बचेगा फिर 1 3 3 जा 9, तो 13.33 समथिंग समथिंग आ जाना चाहिए। तो जिस हिसाब से आप लोगों का आंसर सी जो है एकदम से बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो तुम लोगों के लिए जोरदार तालियां, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। आगे बढ़े, एब्सोल्युटली राइट तनाया, बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड नाउ, हमारा नेक्स्ट सवाल है। मेरे पास आवाज नहीं आ रही है बच्चा, जरा रिफ्रेश कर लो, ठीक है। मतलब मुझे तो पूरी उम्मीद है कि मैं जितना जोर से बोल सकती हूँ मैं बोल रही हूँ, बट अगर आपके पास आवाज नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि क्या इश्यू हो रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। हमने ये क्वेश्चन कर लिया, अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, नीट 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम लोग उसके बाद जिपमेर का करेंगे, नीट 2018 का ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, तो आप लोग जरूर कीजिएगा। यहाँ पर हमको थोड़ा सा थर्मल इफेक्ट देखना है, तो लेट्स गो अहेड। अटोमिक फोर्क इज यूज्ड, लेंथ ऑफ एयर कॉलम, हाँ यही है, इसका ही है। तो अटोमिक फोर्क ट्यूनिंग फोक इज यूज्ड, इज
यूज्ड टू प्रोड्यूस रेजोनेंस, ठीक है, इन अ ग्लास ट्यूब। उसके बाद में बच्चा देख, आवाज नहीं आ रही है शलाम, तो प्लीज रिफ्रेश इट। जरा बाकी लोग उसको कमेंट में थोड़ा सा सजेशन दे दो। ठीक है, अब मैं बैठ के कमेंट चैट सेक्शन में टाइप नहीं कर सकती, तो अब आई थिंक बाकी अपने सारे स्टूडेंट्स को मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है, तो जरा उसको चैट सेक्शन में बता दो। शायद से वो मैं जो बोल रही हूँगी वो सुन नहीं पा रहा होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? द लेंथ ऑफ एयर, द लेंथ ऑफ एयर कॉलम, ठीक है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन दिस ट्यूब दैट कैन बी एडजस्टेड बाय वेरिएबल पिस्टन। ये तो थोड़ा अलग सा ही क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, कर लेंगे। एडजस्टेड बाय वेरिएबल पिस्टन, ठीक है। सो नाउ एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, समझ में आया? 27 डिग्री सेल्सियस, तो टू सक्सेसिव रेजोनेंस, नहीं दो दो है तो रेजोनेंसेस, ठीक है, दे आर प्रोड्यूस्ड एट 20 सेंटीमीटर एंड 73 सेंटीमीटर ऑफ कॉलम लेंथ, कॉलम लेंथ, ठीक है। नाउ इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज 320 हर्ट्स, क्या बोला है? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज 320 हर्ट्स, ठीक है, ये आपको दे दिया 320 हर्ट्स, तो तुमको बोला है कि देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड, देन दी वेलोसिटी, इसको मैं सॉल्व करा लूंगी बिकॉज आई थिंक थोड़ा बहुत क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दिखता होगा, सो मैं मुझे थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। देन दी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है, साउंड इन एयर, और वो भी कितना? एट 27 डिग्री सेल्सियस पे ही निकालना है। तो ये तुमको क्वेश्चन दिया, देखो क्वेश्चन को मैं थोड़ा रीड कर लेती हूँ आपके लिए। ट्यूनिंग फोक है विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस व्हाट? रेजोनेंस, ठीक है, इन ग्लास ट्यूब, ठीक है, और वो क्या बोला है कि लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन दिस ट्यूब, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, अपने पास एक पिस्टन है, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर पिस्टन को नीचे करेंगे तो आपको ज्यादा स्पेस मिल जा रहा है, ठीक है, पिस्टन ऊपर करेंगे तो देन अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन एडजस्ट द व्हाट, जो लेंथ है एयर कॉलम का। एंड रूम टेम्परेचर कितना दिया आपको? 27 डिग्री सेल्सियस फॉर द सक्सेसिव रेजोनेंस, मतलब अगर फर्स्ट रेजोनेंस 20 सेंटीमीटर पे है तो सेकेंड रेजोनेंस आपको कितने पे मिला? 73 सेंटीमीटर, सक्सेसिव मतलब पास पास का, आजू बाजू वाला, ठीक है। तो अब तुमको बोला है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक जो है वो 320 हर्ट्स दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक इज 320 हर्ट्स, तो तुमको निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा एट रूम टेम्परेचर, जो कि तुमको 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, ठीक है। तो इसी बात पे इसको हम जरा सॉल्व करते हैं, एंड अगर आप चाहें तो मैं ऑप्शंस दे सकती हूँ। ऑप्शंस आर, ठीक है, ऑप्शंस क्या दिया है? 350 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी जो दिया है 339 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन सी जो दिया है वो 330 मीटर पर सेकेंड है, एंड ऑप्शन डी जो दिया है वो 300 मीटर पर सेकेंड है। तो मुझे फटाफट से आप सभी लोग आंसर बता देंगे कि आपको क्या लगता है किसका आंसर क्या होना चाहिए। एवरीवन क्विकली
एंड मैं तब तक कोई और थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख लेती हूँ, अगर इन केस हमको मिल जाता है। देखो इसको भी आप लोग, आपको पता होगा कि जो रूम टेम्परेचर पे साउंड जो होता है, साउंड का स्पीड, इट इज एब्सोल्युटली नोन कि ये जो होता है 339 340 मीटर पर सेकेंड के आसपास आता है। सबसे क्लोजेस्ट आंसर जो है आपका बी है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी तो आप कह सकते हैं एब्सोल्युटली करेक्ट है, बट इन केस अगर अपने को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? सिंस पहली बात ये पाइप कौन सा है, विच इज पाइप क्लोज एट वन एंड, पिस्टन लगाया हुआ है ना, तो क्लोज एट वन एंड हो गया, तो आपका जो लेंथ आ जाएगा वो एल बाय फोर के टर्म्स में आ जाएगा ना, तो सिंपल सी चीज है, सॉरी लैम्डा बाय फोर के टर्म में आएगा। एल वन अगर आप बोलेंगे तो वो कह सकते हैं कि वो आपको लैम्डा बाय फोर मिलेगा, है ना? और अगर सिमिलरली एल टू अगर हम बोल दिए, थर्ड हार्मोनिक प्रेजेंट होता है, तो मतलब 3 लैम्डा बाय 4 आ गया। अब ये बेसिक सी चीजें हमको आनी चाहिए, अगर बेसिक सी चीज नहीं आएगी, हमको नहीं पता है कि क्लोज ऑर्गन पाइप के केस में जो लेंथ है, ठीक है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होता है, तो फिर हमसे ना हो पाएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ जाते हैं, तो जैसे ही अपने को ये सारे वैल्यूज मिल गया, तो क्या हम डेल्टा एल निकाल सकते हैं? कैन वी फाइंड आउट L2 - L1? बिल्कुल। तो 3 लैम्डा बाय 4 - लैम्डा बाय 4, सो 2 लैम्डा बाय 4 आ जाएगा, विच इज λ/2 आ जाएगा, है ना? तो यहाँ पर सिंपल सी चीजें हैं, आप कह सकते हैं इट इज λ/2, तो मतलब अगर लैम्डा हम निकालें तो लैम्डा कैन बी रिटर्न एज ट्वाइज ऑफ L2 - L1। तो जैसे ही ट्वाइज ऑफ L2 - L1 आया, अब अपने पास फॉर्मूला पता है, ठीक है, सिंस वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, इट इज गिवन एज एन टाइम्स ऑफ लैम्डा। वेन लैम्डा होता है, लैम्डा तो यहाँ दिया है आपको एन लैम्डा, तो एन तो हमको नहीं पता है, तो एन तो जाने ही दो, हम यहाँ पर बोल देते हैं ये एन हो गया, और लैम्डा क्या है, विच इज 2 टाइम्स, तो मतलब ये 2 हो गया L2 - L1। L2 आपको 73 दिया, L1 कितना दिया आपको, इट इज 20, तो हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं वैल्यूज को, और फ्रीक्वेंसी भी दिया है ट्यूनिंग फोक का, 330 Hz दिया है ना, तो लेट्स क्विकली सब्सटीट्यूट, हो जाएगा 2 × तुम्हारा दिस विल बी व्हाट, 330 320 है, एक सेकेंड, 320 Hz है, ठीक है, परफेक्ट। सो दिस इज व्हाट 320, और ये आपको दिया है 73 -20, एंड बच्चा हमको यहाँ 10⁻²⁺ कॉमन लेना होगा, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपको हर्ट्ज में दिया है, हमने एसआई यूनिट में सब्सटीट्यूट किया है, वाइडली लेंथ भी हमको एसआई यूनिट में ही सब्सटीट्यूट करना चाहिए, तो लेंथ अगर हम लोग एसआई यूनिट में सब्सटीट्यूट करेंगे तो मतलब सेंटीमीटर से मीटर में, तो 10⁻²⁺ लेना पड़ेगा। अब आप सब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 × 320, और ये हो जाएगा, यहाँ से 3 आ गया, 7 में से 2 गया 5, इंटू 10⁻²⁺, ठीक है? तो अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या करना है तुम्हारा, इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना, आई थिंक आप लोगों को मल्टीप्लाई करने पे ही क्या आता है, जो आंसर है अप्रोक्सीमेटली 339 तो आ ही जाना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू है, आंसर तुमको वही मिलेगा, समझ में आया आप लोगों को? तो इतना मीटर पर सेकेंड, क्लियर? समझ में आ गया बच्चा जो यहाँ पढ़ रहे हैं? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन अपने को, एक शायद से जिपमेर का क्वेश्चन था ऐसा, हाँ ये रहा 2018 जिपमेर का क्वेश्चन है, तो लेट्स डू इट। क्या दिया है आपको, इफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना दिया है, इज 340 मीटर पर सेकेंड एंड इन वाटर इज 1480 मीटर पर सेकेंड। अब बोला है आपको इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कितना दिया है आपको, इज 1000 kHz है, ठीक है, तो देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, इन वाटर, ये आपको फाइंड आउट करना है।
इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए इज गिवन एज 2.96 मिलीमीटर, ऑप्शन बी इज 1.48 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी जो दिया है हमको, क्वेश्चन दिखना चाहिए ना हमको, ऑप्शन सी इज गिवन एज 0.74 मिलीमीटर एंड योर ऑप्शन नंबर डी इज गिवन एज, क्या दिया है भाई, 1 मिलीमीटर। ये रहा क्वेश्चन। कोई बात नहीं शलम, आप बाद में देख लेना, ठीक है? आई थिंक आपके यहाँ से कुछ नेटवर्क इश्यू होगा। एनीवेज नहीं दिख रहा, आप क्वेश्चन देख लीजिए बाद में, जब आप कभी देखेंगे वापस से तो शायद आपको सुनाई देगा, तो जो मैं अभी बोल रही हूँ वो चीजें आपको सुनाई देंगी। तो चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन करके, एंड देन वी कैन स्टॉप, ठीक है? क्या दिया क्वेश्चन? इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, और वाटर में कितना दिया है, 1480 मीटर पर सेकेंड है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कितना है, इज 1000 किलोहर्ट्स, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इन वाटर। समझ में आया? एक बार मुझे ये बता दीजिए, क्वेश्चन आप लोगों को समझा कि नहीं समझा? यही क्वेश्चन दिया था मैंने ना, एक बार चेक कर लेने दो। 340 मीटर पर सेकेंड बराबर है, सो यहां से अगर हमने कह दिया कि ऑलराइट, सो बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा? अब हम यहाँ पर जब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अभी तक मुझे किसी के आंसर्स तो नहीं आए, पर ठीक है कोई बात नहीं, क्वेश्चन में चेक कर लूँ। हाँ परफेक्ट है। तो मान लो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर कितना दिया, विच इज 1480 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, राइट? एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, एयर में ही दिया है ना, कितना दिया है अपने को, 340 दिया है ना, 340 मीटर पर सेकेंड, परफेक्ट है, इट इज 340 मीटर पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी जो दिया है आपको कितना दिया है, 1 किलोहर्ट्ज है ना, है तो क्वेश्चन मेरे पास, 1000 किलोहर्ट्ज है बराबर, हाँ उतना ही दिया है। अब उसके बाद आपको पूछा हुआ है कि बताओ कि वेलोसिटी क्या होगा, सॉरी वेवलेंथ कितना हो जाएगा। तो सिंस आपको पता है ना बच्चा, फिर इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू व्हाट, वेलोसिटी या स्पीड बोलो, वेलोसिटी मत बोलो, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, सो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो वाटर में निकालना है तो हम वेलोसिटी ऑफ वाटर कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है ना, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता तो फ्रीक्वेंसी वही रहेगा, सो देयरफॉर वेवलेंथ इन वाटर ये आपको कितना दिया है, 1480, दिस इज गिवन एज 1480 मीटर पर सेकेंड, एंड फ्रीक्वेंसी आपको दिया है विच इज 1000, तो 10^3, और वापस से 10^3 बिकॉज किलो बोला है तो 10^6 हो गया है ना, 10^6 हर्ट्स, हाँ फ्रीक्वेंसी वही रहेगा एब्सोल्युटली, ठीक है? तो देयरफॉर आप कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। आप लोग ने पढ़ा है ना कि जब साउंड हो या फिर आप लाइट की बात करें, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव जा रहा है तो एक ही चीज है जो आपका कांस्टेंट रहता है, वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? 1.4 आ रहा है, बिल्कुल सही। हाँ तो ये 10^-6 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आपके पास 1480 इंटू 10^-6 और सिर्फ मीटर बचेगा, तो 10^-6 मतलब कितना हो गया, यहाँ पर ये मीटर पर सेकेंड है, तो आराम से मिलीमीटर में बोला है ना, तो 10^-3 मल्टीप्लाई करेंगे और -3 को मिली लिख देंगे, सो 1.48 मिलीमीटर, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा, ठीक है? समझ में आ गया बच्चा, वेरी नाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट शिवम, एकदम से सही जवाब है आपका। आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आया है, किसी को कोई यहाँ पर समस्या नहीं है, ठीक है? उसके अलावा अगर आप लोग, मैंने जैसे कि कहा आप मुझे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, अनअकैडमी के ऐप पर, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं बच्चा, ठीक है? क्योंकि अभी 2 मार्च से क्लास स्टार्ट हो रहा है आपका, एंड फिलहाल आपके पास में ऑफर भी अवेलेबल है, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 33% और 28% का ऑफ भी मिल रहा है, एंड ये मेरा कोड है अर्चना 10, आप इसको यूज कर लीजिए, मोर देन 1 ईयर पे 10% ऑफ, या किसी को सब्सक्रिप्शन लेना आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। आप अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, सारे नोट्स, अनलिमिटेड एक्सेस आइकॉनिक में, आपको ये सब के साथ साथ पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर सब मिलता है,
दिस इज द कोड है, ये आपका आइकॉनिक के प्राइजेस हैं। जैसे ही आप कोड यूज करते हैं आपको ऑफ के साथ साथ मेरी मेंटोरशिप भी मिलेगी, एंड प्लस वाला जो है आप प्लस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आपको सेम मोर देन 1 ईयर पे 10% ऑफ, और फिलहाल बाकी पे 33% ऑफ मिल रहा है। एंड ये आपका जो बैचेस मेरी रनिंग बैचेस हैं वो चल रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको कहा कि 2 मार्च से बैच स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो आप आराम से वो बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मतलब आपके पास में काफी सारे ऑप्शंस हैं, और अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एज आई सेड कि ये आपको ऑफर मिलेगा, ठीक है, 3 मंथ पे 33% ऑफ मिल रहा है, एंड जो 6 मंथ है, ठीक है, उस पे आपको 28% ऑफ यूजिंग कोड अर्चना 10, ठीक है। बाकी ये सब बैचेस भी स्टार्ट हो रही है, कोई भी बैच ज्वाइन कीजिए, किसी से भी पढ़िए विद द सेम सब्सक्रिप्शन, कुछ अलग नहीं करना है। इसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मोर देन 10,000 प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल है, तो आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कल के टाइमिंग बता दे रही हूँ, बच्चा टेंशन ना ले तनाया, ये आपका नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं जो भी किसी को डाउट है। आपको ये सब नोट्स एंड ऑल चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी ऐप पर, मेरा प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है। उसके अलावा डाउट्स एंड ऑल है, पिक्चर क्लिक कीजिए, अपलोड कीजिए, ये आपको आइकॉनिक में एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जाते हैं, थोड़ा VIP ट्रीटमेंट रहेगा, ठीक है, तो आप आराम से 1-to-1 बात कर सकते हैं, अपने हिसाब से स्लॉट्स बुक कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हैं। उम्मीद है कि मैंने सारी चीजें आपको बता दी। इसके अलावा आप कल का जो टाइमिंग है, ठीक है, सो टुमारो वी विल हैव 1 क्लास 10:30 PM, ये अपना लेट्स क्रैक नीट यूजी पर होगा, ठीक है, लेट्स क्रैक नीट यूजी। एंड मैं यूट्यूब की पहले बात कर ले रही हूँ, 6:45 PM जो है अपना नीट नोटबुक पर है, ठीक है, नीट नोटबुक। देन उसके बाद में ऑल दीज आर वॉट YT क्लासेस, यूट्यूब के हैं। फिर हम स्पेशल क्लास की बात करें तो टुमारो व्हाट आई विल डू कि मैं 11:30 PM से क्लास रख लेते हैं हम लोग, ठीक है, 11:30 से मोस्ट प्रॉबली हम इसको 90 मिनट्स का क्लास कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग कितना कर ले रहे हैं, सपोज 11:30 से 12:30, 1 PM या 1:30, फिलहाल हम लोग 1:30 बोल देते हैं कि 2 आवर्स हम यहाँ पर कर ले रहे हैं, तो देन तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, और एक ये हो जाएगा, यहाँ से AM रहेगा, दिस इज AM एंड अनदर 1 इज PM। थोड़ा सा इसको प्रॉपरली लिख देती हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो नाउ दिस इज 11:30 AM से 1:30 PM एक क्लास, एंड देन उसके बाद में वी विल हैव द अनदर क्लास फ्रॉम 4 ऑनवर्ड्स, ठीक है, तो 4 PM से 6 PM रख लेते हैं, ठीक है, तो 6 PM, तो ये आपका 2 क्लासेस रहेंगे कल किसके लिए, स्पेशल क्लास के लिए। और यहाँ हमारा पूरा का पूरा कोशिश रहेगा कि हम वेक्टर्स कंप्लीट कर लें, समझ में आया। हाँ बच्चा तनाया, आज का जो थोड़ा सा वहां पर उस तो प्रॉब्लम हुआ, टेक्निकल इशू, इसीलिए आज अपना वो क्लास नहीं हो पाया, तो हम कोशिश करेंगे कि कल वो वाला क्लास हो जाए, बट कल 6:45 वाला होगा, तो आप लोग वो टेंशन मत लो, ठीक है। ये वेक्टर्स जो है ये अपना कल हम लोग इसको स्पेशल क्लास में करेंगे, ठीक है, सो फिलहाल के लिए ये स्केड्यूल है। इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स होगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, आराम से सेशन को फिलहाल तो लाइक कर लो, शेयर कर लो, और शांति से सो जाओ। कल मिलते हैं, सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट। एंड बच्चा सभी के साथ शेयर कर लीजिए, जिनको भी सब्सक्रिप्शन की जरूरत है आप उनको मेरा कोड बता सकते हैं, बाकी बैचेस स्टार्ट हो रही हैं। टेक केयर एवरीवन, स्टे सेफ, सी ऑल गाइस टुमारो, ठीक है। अगर किसी को कोई कंसर्न है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, सो दैट कि मैं नेक्स्ट क्लास जब लूंगी तो अगर कुछ जेन्युइन डाउट्स वगैरह या कुछ पार्ट नहीं समझा है तो आई विल कवर दैट। बाय बाय, टेक केयर, ओके।